इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानेंगे कि मॉलिक्यूल फॉर्मूला के थ्रू किस तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ड्रॉ किए जाते हैं। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होते हैं और कितने टाइप्स के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हो सकते हैं। किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल फॉर्मूला के थ्रू स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने के लिए सबसे पहले हमको उस कंपाउंड की डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन पता होनी चाहिए। चूंकि एल्केन का जनरलाइज फार्मूला CnH2n+2 होता है, अगर हमारे पास मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूल फार्मूला दिया गया है तो इस फार्मूले को एल्केन बनाने के लिए उसमें कितनी हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी है, उस डेफिशिएंसी का जो पेयर होता है उसे हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कहते हैं और कई बार इसे एलिमेंट ऑफ अनसेचुरेशन भी कहा जाता है। इसके अलावा इसको कई नाम से जानते हैं, जैसे हाइड्रोजन डेफिशिएंसी इंडेक्स या फिर डबल बॉन्ड इक्विवेलेंस या फिर डबल बॉन्ड अनसेचुरेशन। अब मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल फार्मूला C3H6 है और अगर इस कंपाउंड में हमको DU निकालने के लिए बोला जाए तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस कंपाउंड के मॉलिक्यूल फार्मूले को एल्केन के फार्मूले के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा। चूंकि एल्केन का फार्मूला CnH2n+2 होता है और इसमें N जो होगा वो C3H6 में N की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3। अगर इस 3 वैल्यू को हम एल्केन के फार्मूले में रखेंगे तो ये हमारे पास बनेगा C3H8। इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास मॉलिक्यूल फार्मूला दिया गया है, इसमें N की वैल्यू से अगर ये एल्केन होता तो इसका फार्मूला C3H6 होता। अब इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी आई वो हमारे पास 2 हाइड्रोजन हुए। अगर इसका पेयर बनाएंगे तो इसका पेयर बन गया 1, यानी कि इस कंपाउंड की जो DU होगी वो हमारे पास आ जाएगी 1। इसी तरह से मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला C5H8 है जिसमें N की वैल्यू 5 होगी। अगर इस कंपाउंड में हमको DU निकालनी है तो अगेन इसको हम एल्केन के फार्मूले से एज्यूम करेंगे कि अगर एल्केन के फार्मूले में हम N की वैल्यू 5 रख लेते हैं तो हमारे पास जो एल्केन होती वो C5H12 होती। इन दोनों कंपाउंड के बीच में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी 4 है, अगर इसका पेयर बनाएंगे तो ये पेयर बन जाएगा 2। इसका मतलब ये हुआ इस कंपाउंड की जो DU होगी वो 2 आएगी। बिल्कुल इसी तरह अगर मान लो हमारे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला C6H6 दिया हुआ है और इस कंपाउंड में हमको DU निकालनी है तो इसमें N की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। अगर इसको एल्केन के फार्मूले में रखेंगे तो इससे जो पॉसिबल एल्केन होगी वो C6H14 हो जाएगी। इसका मतलब ये है इन दोनों कंपाउंड में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी 8 हो गई। अगर इसका पेयर बनाएंगे तो इसका पेयर जो बनेगा 4 और 4 हमारे पास इस कंपाउंड की DU हो जाएगी। अभी जो हमने तीनों एग्जांपल डिस्कस किए हैं उनकी खास बात ये थी, उनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन ही थे, यानी कि वो हाइड्रोकार्बन्स थे। अगर मान लो हमारे मॉलिक्यूल फार्मूला में हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा दूसरे एलिमेंट जैसे हैलोजन्स, ऑक्सीजन, सल्फर या नाइट्रोजन है, ऐसी कंडीशन में इस तरीके से DU निकालने के लिए उनको हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट किया जाएगा। अब हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट करने के लिए हमको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। नंबर 1, अगर मॉलिक्यूल फार्मूला में हैलोजन्स है, इसमें कोई भी हैलोजन हो तो उस मॉलिक्यूल फार्मूला से सभी हैलोजन को हमको रिमूव कर देना है और रिमूव करने के बाद उस मॉलिक्यूल फार्मूला में उतने ही हाइड्रोजन को ऐड कर देना है जितनी उस कंपाउंड में हैलोजन रिमूव हुई है। जैसे मान लो हमारे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला C6H3Cl3 है, क्योंकि इस कंपाउंड में 3 हैलोजन है, ये तीनों हैलोजन सेम है या डिफरेंट है इससे मैटर नहीं करता, ये कितनी टोटल हैलोजन है इसका हमको ध्यान में रखना है। क्योंकि इस मॉलिक्यूल फार्मूला में टोटल 3 हैलोजन है, इन तीनों हैलोजन को हम इस कंपाउंड से हटा देंगे। क्योंकि हम 3 हैलोजन हटा रहे हैं इसीलिए इस कंपाउंड में 3 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो इसका जो मॉलिक्यूल फार्मूला बन के आएगा वो हमारे पास हो जाएगा C6H6। बिल्कुल इसी तरह से मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल फार्मूला गिवन है C3H6ClNBr, तो इसमें टोटल हैलोजन 2 है, इन 2 को हटा देंगे और 2 हाइड्रोजन ऐड कर देंगे तो इसका मॉलिक्यूल फार्मूला बन जाएगा C3H8। अब अगर मान लो हमारे मॉलिक्यूल फार्मूला में डाइवेलेंट एटम्स जैसे ऑक्सीजन और सल्फर है तो ऐसी कंडीशन में हमको क्या करना है, जो हमारे पास मॉलिक्यूल फार्मूला है उसमें से ये सभी ऑक्सीजन या सल्फर जो भी है उनको हम रिमूव कर देंगे।
रिमूव करने के बाद यहाँ सबसे खास बात यह है कि इसमें एक भी हाइड्रोजन एटम ऐड नहीं किया जाएगा, यानी हमको सिर्फ उस मॉलिक्यूल फार्मूला से ऑक्सीजन या सल्फर जो भी डाइवेलेंट एटम है उसको रिमूव करना है। जैसे मान लो हमारे पास किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला C6H6O दिया हुआ है, तो इसमें से ऑक्सीजन रिमूव करके अब इसको हम C6H6 मान लेंगे। इसी तरह से मान लो हमारे पास मॉलिक्यूल फार्मूला C7H6O दिया गया है, तो इसमें ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे, ये मॉलिक्यूल फार्मूला अब C7H6 बन जाएगा। नंबर थर्ड, अगर मान लो मॉलिक्यूल फार्मूला में हमारे पास ट्राइवेलेंट एटम जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास जो कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला दिया गया है उसमें सभी ट्राइवेलेंट एटम को रिमूव कर देंगे, यानी इसमें जितने भी नाइट्रोजन फॉस्फोरस होंगे उसको हम रिमूव कर देंगे। और खास बात यह है कि इसमें हाइड्रोजन को ऐड ना करके हाइड्रोजन को और रिमूव करेंगे, यानी जितने भी इसमें नाइट्रोजन फॉस्फोरस ट्राइवेलेंट एटम थे उतनी ही संख्या में इस कंपाउंड से हाइड्रोजन को भी रिमूव कर देंगे। जैसे मान लो हमारे पास किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला C2H7N दिया गया है, अगर इसमें से नाइट्रोजन को रिमूव करेंगे, चूंकि इसमें एक नाइट्रोजन है उसको रिमूव करके एक हाइड्रोजन और रिमूव कर देंगे, तो इसका मॉलिक्यूल फार्मूला C2H6 हो जाएगा। सपोज हमारे पास मॉलिक्यूल फार्मूला C9H12N2 होता, चूंकि इसमें दो नाइट्रोजन है, दोनों नाइट्रोजन को रिमूव करेंगे, साथ में दो और हाइड्रोजन को रिमूव कर देंगे, तो इसका फार्मूला C9H10 बन जाएगा। और इसी तरह सपोज हमारे पास ऐसा फार्मूला होता C5H11N3, तो इस कंपाउंड में टोटल तीन नाइट्रोजन है, तीनों को रिमूव करेंगे, तीन हाइड्रोजन और रिमूव करेंगे, जिससे इस कंपाउंड का फार्मूला C5H8 बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ इन तीनों ही पॉइंट के थ्रू हमने हैलोजन्स को, डाइवेलेंट एटम्स को और ट्राइवेलेंट एटम को सबको रिमूव करके हमारा मॉलिक्यूल फार्मूले को हमने कार्बन और हाइड्रोजन यानी हाइड्रोकार्बन की फॉर्म में ले लिया। अब उस हाइड्रोकार्बन में जो कार्बन की संख्या होगी वो एन बन जाएगी, उस एन को हम एल्केन के फार्मूले में रखेंगे, तो जो एल्केन बनती उन दोनों के बीच में हाइड्रोजन डेफिशिएंसी निकाल लेंगे और उसका जो पेयर होगा वो उसकी DU डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो जाएगा। अब इस पूरी ट्रिक के बेस पे हम डिफरेंट एग्जाम्पल को अटेम्प्ट करके देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर वन, इस एग्जाम्पल में हमारे पास एक मॉलिक्यूल फार्मूला C6H3Cl3 दिया गया है और हमें इस कंपाउंड की DU निकालनी है। चूंकि इसमें सिर्फ हेलोजन है तो हेलोजन को हम रिमूव कर देंगे और उतनी ही संख्या में हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे, तो ये हमारे पास जो मॉलिक्यूल फार्मूला होगा वो चेंज होने के बाद कुछ इस तरह से बन जाएगा। चूंकि इसमें एन की वैल्यू 3 है, अब इस एन की वैल्यू को एल्केन के फार्मूले में रख के हम एक एल्केन को बना लेंगे। अब इस जो हमारे पास जो एक्सपेक्टेड एल्केन आई है उस एल्केन में और इसके बीच में जो हाइड्रोजन का डिफरेंस होगा वो हाइड्रोजन डेफिशिएंसी कहलाएगा, जो कि हमारे पास 8 होगा। और इसके जब पेयर कर देंगे तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन आ जाएगा। एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, यहाँ पे हमारे पास एक मॉलिक्यूल फार्मूला C4H6O दिया गया है जिसकी DU निकालनी है। तो सबसे पहले हमने इसमें चेक करा कि इसमें डाइवेलेंट एटम ऑक्सीजन है और डाइवेलेंट के केस में हमको जस्ट एटम को रिमूव करना होता है, कुछ ऐड नहीं करना होता। तो इसमें से अगर ऑक्सीजन को रिमूव कर देंगे ये फॉर्मूला अब कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें एन की वैल्यू 4 होगी और इस 4 को एल्केन के फॉर्मूले में जब रखेंगे तो हमारे पास एक्सपेक्टेड एल्केन C4H10 आएगी। अब इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी नोट कर लेंगे जो कि 4 होगी और इसको पेयर कर लेंगे तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन हो जाएगा। इसी तरह एग्जांपल नंबर थर्ड में हमारे पास एक कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला C9H12N2 दिया गया है। चूंकि इसमें ट्राइवेलेंट एटम नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के केस में या ट्राइवेलेंट के एटम के केस में जितने ट्राइवेलेंट एटम होते हैं उनको रिमूव करते हैं, उतने ही हाइड्रोजन और रिमूव करते हैं। यहाँ पे दो नाइट्रोजन है उनको रिमूव करेंगे, दो हाइड्रोजन और रिमूव करेंगे, तो इस कंपाउंड को हम इस फार्मूले में कन्वर्ट कर लेंगे। चूंकि इसमें एन की वैल्यू 9 है और इस 9 को एल्केन के फार्मूला में रख के इससे एक्सपेक्टेड एल्केन निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी 10 है जिसको पेयर करने पर डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन 5 आएगा। फर्स्ट लुक में हो सकता है जितने एग्जांपल अपने अटेम्प्ट करे हैं वो आपको हार्ड लगे, बट अगर इसको ट्रिक के थ्रू करेंगे तो और ये इजी लगेगी। जैसे अभी तक हमने क्या करा है,
हेलोजन के केस में या डाइवेलेंट एटम के केस में या नाइट्रोजन के केस में या तो हाइड्रोजन ऐड करे हैं या हाइड्रोजन रिमूव करे हैं या हमने कुछ नहीं करा। अब देखो याद कैसे रखना है, क्योंकि हेलोजन के लिए हमको क्या करना है, इसका सिंबल हमको कैसे दिखता है, इसका सिंबल प्लस जैसा दिखता है। इसका मतलब ये है कि हमको हेलोजन को रिमूव करना है और प्लस क्या करना है, प्लस उसमें उतने ही हाइड्रोजन करने हैं। इसी तरह से नाइट्रोजन के लिए याद कैसे रखेंगे, N फॉर नाइट्रोजन और N फॉर नेगेटिव, यानी हमको जितने नाइट्रोजन हम रिमूव कर रहे हैं उतने ही हाइड्रोजन रिमूव करने हैं। और डाइवेलेंट में हमको कैसे याद रखना है, डी फॉर डाइवेलेंट, डी फॉर डू नथिंग, यानी डाइवेलेंट के केस में हमको सिर्फ उनको रिमूव करना है, बदले में हाइड्रोजन नहीं डालनी है। अब कोई ऐसा मॉलिक्यूल फॉर्मूला कंसिडर करते हैं जिसमें ये सारे एटम हो, जैसे एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे हमारे पास C10H8SO5N4Cl2। इस मॉलिक्यूल फॉर्मूले में अब पूरी ट्रिक को ध्यान से समझते हुए डी यू निकालते हैं। तो इसमें हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखेंगे डाइवेलेंट एटम कौन से हैं। हमारे पास सल्फर और ऑक्सीजन डाइवेलेंट एटम है, इनकी जगह पे हमको कुछ भी नहीं ऐड करना है, इनको जस्ट रिमूव करना है। इसी तरह से ट्राइवेलेंट एटम की फॉर्म में हमारे पास नाइट्रोजन है, चूंकि नाइट्रोजन 4 रिमूव होंगे और अभी हमने देखा कि नाइट्रोजन रिमूव करेंगे तो N फॉर नाइट्रोजन, N फॉर नेगेटिव, उतने ही उसमें हाइड्रोजन आपको माइनस करने हैं, यानी इसमें -4 हाइड्रोजन अपने करेंगे। और Cl2 के केस में क्या करा है, Cl2 इस कंपाउंड में चूंकि 2 है, ये 2 Cl2 रिमूव होंगे तो Cl2 या हाइड्रोजन के केस में आपको प्लस करना है, यानी इनको रिमूव करना है और बदले में 2 हाइड्रोजन को ऐड कर देना है। अगर ऐसा करेंगे तो इस कंपाउंड का जो मॉलिक्यूल फार्मूला अब आएगा C10H8, इसमें पहले थे, इसमें से -4 करके +2 करेंगे, यानी आप इसमें -2 कर रहे हैं, तो बेसिकली इसका फार्मूला बन जाएगा C10H6, इसका मॉलिक्यूल फार्मूला बन जाएगा। अब इसमें N की वैल्यू हमारे पास 10 आ गई, जिसको एल्केन में रखेंगे तो एक्सपेक्टेड एल्केन हमारे पास हो जाएगी C10H22। अब इन दोनों में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी देखेंगे, इनमें हाइड्रोजन की जो डेफिशिएंसी है वो 16 आएगी। अगर इसका हम पेयर करेंगे यानी कि 8 हमारे पास इस कंपाउंड की DU हो जाएगी। अब थोड़ा उससे भी कॉम्प्लिकेटेड एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 5 में हमारे पास मॉलिक्यूल फार्मूला C29H44Br3Cl5N6O4 है। चलिए अब इस एग्जांपल को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें से Br3 हटा देंगे, बदले में इसमें 3 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसी तरह Cl5 हटाएंगे, इसमें 5 हाइड्रोजन जोड़ देंगे। इसी तरह इसमें से नाइट्रोजन को रिमूव करेंगे और इसमें से 6 हाइड्रोजन को माइनस कर देंगे, और लास्ट में ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। तो टोटल हमने 8 हाइड्रोजन को ऐड किया है और 6 हाइड्रोजन को रिमूव करा है। इसका मतलब बेसिकली हमने +2 हाइड्रोजन करे हैं। तो इसमें अगर +2 हाइड्रोजन करेंगे, इस कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला बन जाएगा C29H46। अब इसमें N की वैल्यू कितनी आई है, N की वैल्यू इसमें आ गई 29। अगर इसको एल्केन के फार्मूले में आप रखोगे तो ये फार्मूला बन जाएगा C29H60। अब इन दोनों में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी हुई, इसमें हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी 14, यानी इसमें हाइड्रोजन डेफिशिएंसी हुई 14। और डी यू के लिए इसका पेयर बनाएंगे तो पेयर बन जाएंगे 7 आएगी इसकी डी यू। अब यहाँ पे आपके प्रैक्टिस के लिए 3 कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला अलोंग विद आंसर यानी डी यू मेंशन है, तो आपको इस ट्रिक के थ्रू इसकी डी यू निकालनी है और डी यू को मैच करना है। अगर मान लो हमारे पास कंपाउंड में उसकी स्ट्रक्चर मेंशन है, तो ऐसी कंडीशन में अगर सिंपलेस्ट डी यू की बात करें तो डी यू की फुल फॉर्म हो जाएगी डी यू इज इक्वल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्लस रिंग। उस कंपाउंड में टोटल कितनी रिंग है और कितने पाई बॉन्ड है, इनका टोटल डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन कहलाएगा। अब यहाँ पे पाई बॉन्ड में हमको सभी तरह के पाई बॉन्ड लेने हैं, भले ही वो सेम एटम के बीच में हो, जैसे कार्बन कार्बन के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड, या डिफरेंट एटम के बीच में हो, जैसे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का डबल या ट्रिपल बॉन्ड। तो इसके बेस पे एग्जाम्पल नंबर 1 में चूंकि ना तो पाई बॉन्ड है और ना ही रिंग है, इसलिए इसकी डी यू 0 हो जाएगी। सेकेंड एग्जाम्पल में पाई बॉन्ड 1 है, रिंग 0 है, इसलिए इसकी डी यू 1 होगी। थर्ड नंबर एग्जाम्पल में सिर्फ 1 रिंग है, पाई बॉन्ड एब्सेंट है, अगेन इसकी डी यू 1 हो जाएगी। कंपाउंड नंबर 4th में कितनी होगी, कंपाउंड नंबर 4th में डी यू हो जाएगी 4, क्योंकि 1 रिंग हुई और 3 हुए पाई बॉन्ड। चलो बिल्कुल इसी तरह से कंपाउंड नंबर एग्जाम्पल नंबर 5 में कितनी होंगी,
फाइव में भी इतनी होंगी, फाइव में डीयू हो जाएंगी फोर। अब कितने लोगों ने रायता फैलाया फोर करके, अब सोचो क्या इसकी डीयू फोर होगी या फोर डीयू गलत है या सही है। अब आप खुद सोचो, यहां पे हमने क्या बोला था कि इसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड सभी तरह के जोड़ने हैं, आपने जो पाई बॉन्ड दिखे वो तो जोड़ लिए। अब जो फंक्शनल ग्रुप है उसके पाई बॉन्ड जनरली हम भूल जाते हैं और डीयू का आंसर गलत हो जाता है। अभी कार्बोक्सिलिक ग्रुप हमको कैसे दिखता होगा, अगर हम इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप की बात करें तो ये ग्रुप हमको कुछ इस तरह से दिखता होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच। इसी तरह से दूसरी साइड में लगा हुआ ये नाइट्राइल ग्रुप कैसे दिखता होगा, ये नाइट्राइल ग्रुप को अगर हम बात करें तो ये हमको दिखता होगा यहाँ पे सी आएगा ट्रिपल बॉन्ड एन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की खुद की एक डीयू होती है क्योंकि एक पाई बॉन्ड होता है, और इसी तरह नाइट्राइल ग्रुप की खुद की डीयू दो होती है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड दो होते हैं, तो दो इसकी, चार इसकी, छह और एक इसकी सात। तो यानी कि इस कंपाउंड में जो डीयू आएगी वो हमारे पास आएगी सेवन। अब मान लो रिंग प्लस पाई बॉन्ड के कॉन्सेप्ट को हम क्यूबेन में और प्रिज्मेन में यूज करना चाहें, तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं क्यूबेन को। अगर इसमें क्यूबेन में रिंग की बात करें तो टोटल इसमें कितनी रिंग होगी, एक ये रिंग होगी बिल्कुल इसके नीचे वाली रिंग दो, एक रिंग ये तीन, बिल्कुल इसके पीछे वाली ये चार, ये वाली रिंग पांच और इसके सामने वाली छह। यानी बिल्कुल ये अपने रूम की तरह, कोई ऐसा रूम अज्यूम करो जो क्यूब की तरह हो, तो इसमें टोटल हमारे पास सिक्स रिंग आई। इसका मतलब इस कंपाउंड की जो डी यू होगी वो होगी सिक्स। अब बात करते हैं प्रिज्मेन की। अगर प्रिज्मेन में देखें तो एक रिंग मेरे पास यहाँ पे है, बिल्कुल इसके नीचे एक रिंग यहाँ पे है, दो रिंग हो गई। तीसरी रिंग मेरे पास ये वाली रिंग है, तीन रिंग। चौथी रिंग मेरे पास ये वाली रिंग हो गई और पांचवी रिंग ये वाली हो गई, तो इसमें पांच रिंग है। तो इसका मतलब इस कंपाउंड की डी यू कितनी होगी, डी यू होगी इसमें फाइव। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात सुनो, ये दोनों ही डी यू गलत है, ना तो इसकी डी यू सिक्स होती और ना ही इसकी डी यू फाइव होती। ऐसा क्यों होता है, इसका सिंपल सा फंडा ये है कि बेसिकली ये दोनों है क्या, ये दोनों हाइड्रोकार्बन्स हैं, और हाइड्रोकार्बन्स के केस में आप एक चीज हमेशा नोट कर लो कि जो मेथड हमने फर्स्ट सीखा था कि फार्मूले को आप हाइड्रोजन और कार्बन की फॉर्म में चेंज कर लो और उसमें एक्सपेक्टेड एल्केन के साथ कंपैरिजन करके हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी निकाल लो। जैसे जो क्यूबेन का फार्मूला होगा अगर इसको हम चेंज करें तो ये बनेगा हमारे पास C8H8। ये जो हमने ब्लैक कलर से डॉटेड करे हुए हैं ये कार्बन है, तीन बॉन्ड यहाँ पे बने हुए हैं, इसका मतलब हर कोने पे जो कार्बन होगा उसके पास एक हाइड्रोजन होगा, तो टोटल एट कार्बन होंगे, एट ही हाइड्रोजन होंगे। तो इसमें एन की वैल्यू अपने पास आ जाएगी एट, और इससे एक्सपेक्टेड जो एल्केन आनी चाहिए वो हमारे पास हो जाएगी C8H18। तो इन दोनों में हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी कितनी हुई, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी इन दोनों में हो गई हमारे पास 10। तो डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होगा, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन इसमें बन जाएगा 5, यानी कि इसकी डीयू 6 ना आकर इसकी डीयू 5 आएगी। अब चलो इसकी डीयू चेक करके बताओ इसकी डीयू कितनी आनी चाहिए। इसमें अगर इस कार्बन को पकड़े इस पे एक एच होगा तो टोटल हमारे पास जो मार्क किए हुए कार्बन है वो टोटल कार्बन हमारे पास है 6। तो इसमें फार्मूला बना C6H6 और N की वैल्यू बन जाएगी हमारे पास 6। 6 को रख के एल्केन एज्यूम करेंगे तो एल्केन बनेगी C6H14। तो इन दोनों के बीच में जो हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी होगी वो कितनी आएगी, हाइड्रोजन की डेफिशिएंसी इसमें आ जाएगी 8, और इसका हाफ करेंगे यानी पेयर करेंगे तो ये बन जाएगा डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो इसकी आएगी 4। अब बात करते हैं डीयू निकालने के लिए फॉर्मूले की। तो यहाँ पे डीयू निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है जो कि 2C+2+N-H-X/2 है। अब इसमें कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हेलोजन ये क्या है, तो C यहाँ पे नंबर ऑफ कार्बन से जितने भी कार्बन होंगे उनका टोटल, N यहाँ पे नंबर ऑफ नाइट्रोजन या कोई भी ट्राइवेलेंट एलिमेंट है जैसे फॉस्फोरस हो गया, H यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, और X यहाँ पे नंबर ऑफ हेलोजन है चाहे वो डिफरेंट हो चाहे वो सेम हो। एग्जाम्पल नंबर 6, इस एग्जाम्पल में जो हमारे पास कंपाउंड का मॉलिक्यूल फार्मूला दिया गया है इसमें अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग DU कैलकुलेट करें तो 2 ब्रैकेट में हमने कार्बन की संख्या रख दी प्लस 2 देन नाइट्रोजन का नंबर ऐड करना है, नाइट्रोजन यहाँ पे 6 है तो 6 नंबर हमने ऐड कर दिया,
देन हाइड्रोजन का नंबर माइनस करना है और हेलोजन का नंबर माइनस करना है। हेलोजन चाहे डिफरेंट हो या सेम हो, उनको टोटल करके माइनस कर देना है। तो अगर इसको सोल्व करोगे ये 14/2 आएगा, जिससे इस कंपाउंड की डी यू 7 आ जाएगी। अब अगर मान लो हमारे पास किसी कंपाउंड की डी यू हमको पता है, तो उसके डी यू से हम क्या कॉम्बिनेशन लगा सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन उस मॉलिक्यूल में बना सकते हैं, अब इसको ध्यान में रखना है। करना क्या है, क्योंकि अभी हमें डी यू की डेफिनेशन क्या दी थी, डी यू की डेफिनेशन ये थी कि किसी भी कंपाउंड में रिंग और पाई बॉन्ड की जो संख्या होगी उनका टोटल जो होगा वो डी यू होगी। अगर मान लो यहाँ पर हम पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ रिंग और पाई बॉन्ड की बात करें, तो यहाँ पे हमने 4 कॉलम बना रखे हैं। पहले में डी यू है, दूसरे में रिंग, तीसरे में डबल बॉन्ड की संख्या, फिर ट्रिपल बॉन्ड की संख्या। चूंकि डबल बॉन्ड में 1 पाई बॉन्ड होता है और ट्रिपल बॉन्ड में 2 पाई बॉन्ड होते हैं। अब मान लो हमारे पास पहला केस है कि किसी कंपाउंड की डी यू 1 है। ऐसी कंडीशंस में इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, ऐसी कंडीशन में उसमें एक कंपाउंड ऐसा हो सकता है कि जिसमें सिर्फ एक रिंग हो, किसी भी तरह का पाई बॉन्ड ना हो। दूसरी पॉसिबिलिटी उसमें क्या हो सकती है, एक कंपाउंड में रिंग ना हो बट पाई बॉन्ड हो, और पाई बॉन्ड जो है डबल बॉन्ड का हो, यानी उसमें केवल एक डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट ना हो। अगर डी यू 2 है, जो कि सबसे ज़्यादा यूज होने वाली पॉसिबिलिटी है, इस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग अगर हमारे पास डी यू 2 है, तो जो रिंग और पाई बॉन्ड का टोटल है वो 2 आना चाहिए। तो इसमें पॉसिबिलिटी चेक करें तो रिंग इसमें 2 है, ऐसी कंडीशन में पाई बॉन्ड 0 होंगे। अगर मान लो हम रिंग को 0 रखना चाहें, तो ऐसी कंडीशन में पाई बॉन्ड रखने पड़ेंगे। वो पाई बॉन्ड का कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड उसमें 2 हो और ट्रिपल बॉन्ड 0 हो। अगर मान लो रिंग 0 हो, तो एक कॉम्बिनेशन ये हो सकता है उसमें डबल बॉन्ड भी 0 हो बट पाई बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड के कारण प्रेजेंट हो, यानी कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड जो होगा वो हमको 1 रखना पड़ेगा, ताकि उसके अंदर 2 पाई बॉन्ड से हमारे पास डी यू 2 आ जाए। और इसी तरह मान लो मिक्स कॉम्बिनेशन बनाए, तो एक कॉम्बिनेशन में एक रिंग हो, एक डबल बॉन्ड हो बट इसमें ट्रिपल बॉन्ड ना हो, तो ऐसी कंडीशन में ये सारी डी यू 2 की कॉम्बिनेशंस होती हैं। अगर मान लो डी यू 4 आता है, तो सबसे पहले कंपाउंड में हमको देखना होता है कहीं हमको बेंजीन की, एरोमेटिक सिस्टम की, बेंजीनोइड कंपाउंड की ऐसे कोई हिंट तो नहीं दे रहे हैं। तो जनरली ऐसा देखा जाता है डी यू 4 को हैंडल करना लिटिल बिट ट्रिकी होता है, तो क्वेश्चन में किसी ने भी किसी तरीके से हमको हिंट गिवन होती है। अब डी यू के बाद सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है एल्काइल ग्रुप का, जिसे हम रेडिकल्स भी कह सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप की। अब मान लो हमारे पास कोई एल्कीन है, अगर एल्कीन है उसका फार्मूला हमारे पास होगा CnH2n+2। अगर इसमें से हम एक एच को माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास फार्मूला बन जाएगा CnH2n+1 हैविंग फ्री वैलेंसी। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है सपोज मेरे पास सबसे स्मॉलेस्ट एल्कीन मिथेन होती और मैं इसमें से रिमूव कर देता, तो ये मेरे पास CH3 बन जाता। अभी जो CH3 है इसको हम कहेंगे एल्काइल ग्रुप या रेडिकल। अब इसी तरह मान लो हमारे पास CH3 यानी C2H6 इथेन है। अब इन दोनों में से कहाँ से H निकालें, क्या इसका कोई फर्क पड़ेगा या दोनों तरफ की H सेम है? तो इसमें आप कहीं से भी आप H निकालो, आपके पास CH3CH2 हैविंग फ्री वैलेंसी आएगा, यानी कि जो इससे एल्काइल ग्रुप या रेडिकल बनेगा वो सिर्फ इथाइल ही बनेगा। अब मान लो इसी तरीके से हम प्रोपेन को कंसिडर करें, तो प्रोपेन में हमारे पास फार्मूला होगा CH3CH2CH3। अगर प्रोपेन में हम H निकाल के उसका रेडिकल बनाना चाहें, तो क्या इसमें बिल्कुल इसी तरीके से एक ही रेडिकल बनेगा या एक से ज़्यादा बनेंगे? अब आप खुद सोचो, अगर मैं यहाँ से H निकालता हूँ और यहाँ से H निकालता हूँ, ये दोनों पॉसिबिलिटी सेम है। अगर यहाँ से H निकालें तो जो हमारे पास रेडिकल बनेगा, सपोज इसमें इन दोनों में से किसी एक से निकाल लें, तो हम यहाँ से निकाल देते हैं, तो ये रेडिकल हमको किस तरह दिखेगा? ये रेडिकल दिखेगा CH3CH2CH2 हैविंग फ्री वैलेंसी। अभी अपने पास बन गया प्रोपाइल ग्रुप। अब मान लो यहाँ साइड में से H निकाल कर बीच में से एक H निकालते हैं। अगर बीच में से एक H निकालते हैं, तो ये हमको एल्काइल ग्रुप कैसे दिखता? ये हमको एल्काइल ग्रुप दिखता CH3, बीच में से एक H निकल जाता, एक बच जाता, हैविंग फ्री वैलेंसी, देन CH3। तो क्या ये दोनों एल्काइल ग्रुप सेम है या डिफरेंट है? ये दोनों एल्काइल ग्रुप इंटायरली डिफरेंट है, क्योंकि IUPAC हमने देखा है कि इसको हम प्रोपाइल ग्रुप या इसके लिए स्मॉल n यूज कर लेते हैं, n प्रोपाइल ग्रुप है, जबकि ये हमारे पास आइसोप्रोपाइल ग्रुप है। तो अगर मान लो मेरे पास 3 से ज्यादा कार्बन की कोई चैन है,
तो इसमें किस तरह से हम एल्काइल ग्रुप की संख्या जल्दी निकाल लें, या फिर यही एक तरीका है एच को निकाल निकाल के हमको चेक करना पड़ेगा। तो इसके लिए एक छोटा तरीका हम क्या यूज कर सकते हैं कि जहां से हम एच निकाल रहे हैं, हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं वहां एच निकाल के हमने सीए लगा दिया, ठीक है, यानी हम उसके क्लोरो डेरिवेटिव बना रहे हैं। अब इसमें करना क्या है, जैसे मान लो मुझे इस प्रोपेन में ये जानना है कि कितने इसमें रेडिकल या एल्काइल ग्रुप है, तब मैं क्या करूंगा कि इसके क्लोरो डेरिवेटिव बना लूंगा। तो इन तीनों कार्बन में वन बाय वन मैं एक एक एच निकालने के बाद इनके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बना लूंगा। अगर मैं इसके मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बनाऊंगा तो ये डेरिवेटिव मुझे कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब आप खुद सोचो, पहला और तीसरा एग्जैक्टली सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि ये वन क्लोरो प्रोपेन है और ये भी वन क्लोरो प्रोपेन है, जबकि दूसरे वाला है क्या चीज है, दूसरे वाला टू क्लोरो प्रोपेन है। तो इसका मतलब किसी भी एल्केन को लेना है, उसमें सभी कार्बन पे एक एक एच को रिप्लेस करके वन बाय वन सीएल लगाना है और उसकी आईओपीसी चेक कर लेनी है। इनफैक्ट आप नंबरिंग भी चेक कर सकते हैं, नंबरिंग से भी आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने में सहूलियत होगी। अब इन तीनों कंपाउंड में से फर्स्ट और थर्ड कॉमन है, इसलिए इसमें से कोई एक कंसिडर कर लेते हैं, एक को हम हटा देते हैं। तो बेसिकली इस कंपाउंड के जो क्लोरो मोनोक्लोरो डेरिवेटिव बने वो दो ही बने, इसी कारण से इस प्रोपेन का दो ही एल्काइल या रेडिकल पॉसिबल हो सकते हैं, एक एन प्रोपाइल ग्रुप और एक आइसोप्रोपाइल ग्रुप। अब हमको क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान में रखना है? अब क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान में रखना है कि कहीं भी अगर हमारे पास C3H7 लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब ये है इस ग्रुप के दो फॉर्म हो सकती है, एक एन प्रोपाइल फॉर्म हो सकती है, एक आइसोप्रोपाइल फॉर्म हो सकती है। इसी तरह से मान लो मेरे पास C4H10 यानी ब्यूटेन है, अगर मुझे इसमें से एल्काइल ग्रुप बनाने हैं तो जो ब्यूटेन के एल्काइल ग्रुप होंगे वो हमको इस तरह से दिखेंगे, C4H9 फ्री वैलेंसी। अब इसके कितने इसके ब्यूटाइल ग्रुप पॉसिबल है, इसको चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हमको ब्यूटेन के सभी आइसोमर पता होने चाहिए। जैसे ब्यूटेन के दो आइसोमर होते हैं, एक एन ब्यूटेन होता है और दूसरा हमारे पास 2-मिथाइल प्रोपेन होता है। अब इसमें क्लोरो ग्रुप ना रख के हम एज्यूम कर रहे हैं, यानी स्ट्रक्चर ना बना के हम एज्यूम कर रहे हैं इस बार। जैसे अगर हम इस पोजीशन पर सीएल रखें, आइदर इस पोजीशन पर सीएल रखें, ये दोनों पोजीशन इक्वल हो गई, इसीलिए इसको हम ए मार्किंग कर देते हैं। यानी यहाँ पे कहीं भी आप क्लोरो रखोगे यू विल गेट वन क्लोरो ब्यूटेन। इसी तरह से बचे हुए दोनों कार्बन आपस में सेम होंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर क्लोरीन रखोगे यू विल गेट टू क्लोरो ब्यूटेन, इसलिए इसको हम सेम मार्किंग बी दे देते हैं। यानी इसके टोटल दो एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है। और इसी तरह जो हमारे पास 2-मिथाइल प्रोपेन है, उसमें से इन तीनों जगह में से कहीं से भी आप एक एच को रिप्लेस करके क्लोरीन बनाओ, सेम प्रोडक्ट बनेगा। और इसी तरह से एक आप यहां से निकाल सकते हैं, यानी इसके टोटल दो एल्काइल ग्रुप पॉसिबल है। यानी कहीं भी हमको C4H9 दिख जाता है तो उसकी जगह पर हम टोटल 4 एल्काइल ग्रुप को एज्यूम कर सकते हैं। अब इस C4H9 के ये चारों ग्रुप दिखते कैसे होंगे? जैसे मान लो हमारे पास ये जो एन ब्यूटेन था जिसमें हम दो टाइप के एल्काइल ग्रुप बना सकते हैं, अगर इस ए में से कहीं से भी एक एच को निकालेंगे वो ग्रुप हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसमें हमने इस साइड के ए से एक एच को रिमूव कर दिया और यहाँ फ्री वैलेंसी लगा दी, यानी इससे एक एन ब्यूटाइल ग्रुप बन सकता है। इसी तरह इन दोनों किसी बी में से एक एच को निकाल दें, जैसे हम यहाँ से एक एच को निकाल देते हैं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा, यानी ये सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप हो गया। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब जो ब्यूटेन है वो इटसेल्फ दो एल्काइल ग्रुप की फॉर्मेशन कर सकता है। अगर मान लो 2-मिथाइल प्रोपेन की बात करें तो इन ए में से किसी एक से भी एच निकालेंगे तो ये ग्रुप आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जैसे हमने इसमें इस पोजीशन से एक एच को निकाल कर फ्री वैलेंसी लगाई है, यानी इससे एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप बनेगा। अगर मान लो बीच वाले इस कार्बन से एक एच को रिमूव करा और बी से कोई ग्रुप बनाया तो वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये हमारे पास टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा। यानी कि 2-मिथाइल प्रोपेन के दो एल्काइल ग्रुप जो बनेंगे, एक आइसोब्यूटाइल ग्रुप होगा और दूसरा टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होगा। या हम ऐसा कह सकते हैं जो C4H9 के टोटल 4 एल्काइल ग्रुप बन रहे थे वो एन ब्यूटाइल ग्रुप, सेकेंडरी ब्यूटाइल ग्रुप, आइसोब्यूटाइल ग्रुप और टर्शरी ब्यूटाइल ग्रुप होंगे। अब अगर मान लो हमारे पास C5H12 यानी पेंटीन है तो इसका जो एल्काइल ग्रुप बनेगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, वो C5H11 फ्री वैलेंसी होगा। तो सबसे पहले इस पेंटीन के
तीनों आइसोमर ड्रॉ कर लेते हैं, यानी हमने एन पेंटेन, टू मिथाइल ब्यूटेन और टू टू डाई मिथाइल प्रोपेन ड्रॉ कर लिया। अगर पेंटेन की बात करें तो इसमें ये दोनों पोजिशन से कहीं से भी आप एच निकालो, उससे सेम एल्काइल ग्रुप बनेगा। इसी तरह इन दोनों में से कहीं से भी एच निकालो, अगेन वो सेम होगा, और एक एल्काइल ग्रुप यहाँ से बन सकता है, यानी एन पेंटेन से टोटल तीन टाइप के एल्काइल ग्रुप बन सकते हैं। इसी तरह से जो टू मिथाइल ब्यूटेन है, इसमें इन दोनों पोजिशन से कहीं से भी आप निकालो, इनको हमने ए मार्किंग दे रखी है, सेम एल्काइल ग्रुप बनेगा। एक इसमें यहाँ से बन सकता है, एक यहाँ से बन सकता है और एक यहाँ से बन सकता है, यानी टू मिथाइल ब्यूटेन में टोटल फोर एल्काइल ग्रुप होंगे। और इसी तरह से ये जो हमारे पास टू टू मिथाइल प्रोपेन होगा, इनमें इन चारों पोजिशन में किसी से भी एक एच निकाल के केवल एक ही टाइप का एल्काइल ग्रुप बनेगा। तो जो C5H11 हमारे पास एल्काइल ग्रुप था, इसकी टोटल फॉर्म की बात करें तो इसकी टोटल 8 पॉसिबल फॉर्म्स हो सकती हैं, यानी कि C5H11 इस टाइप से टोटल 8 एल्काइल ग्रुप बना सकता है। अगर सभी तरह के एल्काइल ग्रुप को समराइज किया जाए तो मिथाइल का कोई एल्काइल ग्रुप नहीं होता, ये खुद ही होता है। इसी तरह इथाइल का कोई एक्स्ट्रा एल्काइल ग्रुप नहीं है, वो इटसेल्फ ही होता है। प्रोपाइल में दो एल्काइल ग्रुप बन सकते हैं, एन प्रोपाइल और आइसोप्रोपाइल। ब्यूटाइल के 4 रेडिकल पॉसिबल हो सकते हैं, पेंटाइल के 8 हो सकते हैं। और इसी तरह से आप जब हेक्सेन के आइसोमर बना के उसमें से एल्काइल ग्रुप निकालेंगे तो हेक्साइल के एल्काइल ग्रुप 17 आएंगे। अब डीओ को यूज करते हुए किस तरह से मॉलिक्यूल फार्मूला के थ्रू हमको स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, अब वो सीखते हैं। अब मान लो मेरे पास एक मॉलिक्यूल फार्मूला गिवन है C6H14। तो सबसे पहला काम मैं क्या करूंगा, इस मॉलिक्यूल फार्मूला से डीयू निकालूंगा। जब आप इसके डीयू निकालोगे तो इसकी डीयू 0 आएगी। अब 0 डीयू का मतलब क्या है, 0 डीयू का मतलब है ना तो इसमें रिंग है, ना ही इसमें किसी भी तरह का पाई बॉन्ड है, यानी हमको ना तो साइक्लिक बनाना, ना एल्कीन बनाना है और ना ही एल्काइन बनाना है, सिंपली हमें इससे ओपन चैन एल्केन बनाना है। तो 6 कार्बन की जो भी यहाँ पे एन की वैल्यू हो वो वाली एल्कीन सबसे पहले बना लेंगे। तो यहाँ पे 6 है, यानी 6 कार्बन की सबसे पहले सिंपलेस्ट एल्कीन बना लेते हैं, यानी कि जिसको अपने बोलते हैं एन एल्कीन। तो मैंने 6 कार्बन की सबसे पहले इसमें हेक्सेन बना ली, यानी ये मेरे पास बन गया एन हेक्सेन। इसके बाद क्या एज्यूम करना है कि इस एन हेक्सेन में से अगर मैं एक मिथाइल ग्रुप हटा देता हूँ तो ये मेरे पास एन हेक्सेन अब एन पेंटेन बन जाएगी। अब मान लो वो जो मिथाइल ग्रुप मैंने रिमूव करा है, अब उस मिथाइल ग्रुप को इस एन पेंटेन में कहाँ पे रखा जाए कि कंपाउंड इससे डिफरेंट बन जाए। अब सोचो कि उस मिथाइल ग्रुप को अगर मैं यहाँ लगाता तो अगेन मेरे पास एन हेक्सेन बनता, अगर मैं यहाँ लगाता तो अगेन मेरे पास एन हेक्सेन बनता। सपोज मैं इस कार्बन पे लगा दूँ, इस कार्बन पे लगाने से मेरा कंपाउंड इससे डिस्टिंग्विश हो जाएगा। अगर मैं इस कार्बन पे लगाता हूँ तो ये मेरे पास बन जाएगा 2 मिथाइल पेंटेन, यानी सेकेंड नंबर पोजिशन पर इसमें मिथाइल ग्रुप आ गया। इसी तरह से अब जो कंपाउंड मैंने बनाया है जो इससे डिस्टिंग्विश है, अब इसको ही देखना है, अब इसमें इस मिथाइल ग्रुप को कहाँ और शिफ्ट करें ब्रेक करके कि मेरा कंपाउंड नया बन जाए। अब सपोज इसमें से मिथाइल ग्रुप रिमूव कर दें तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से दिखाई देगा, वापस पेंटेन बन जाएगा। चूंकि यहाँ से मिथाइल ग्रुप आपने हटाया है, यानी मिथाइल ग्रुप इस कार्बन पे था, अगर मैं उसको इस कार्बन पे शिफ्ट करता हूँ अगेन मेरे पास यही कंपाउंड 2 मिथाइल पेंटेन बनेगा। बट अगर बीच वाली पोजीशन पर यहाँ पर अगर मिथाइल ग्रुप लगाता हूँ तो इससे मेरे पास एक नया कंपाउंड बन जाएगा जिसमें मिथाइल ग्रुप की नंबरिंग जो आएगी थर्ड पोजीशन पे होगी, यानी अब ये मेरे पास तीसरी नंबर पोजीशन पर मिथाइल होने के कारण 3 मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। अब क्या करना है, जो हमारे पास स्टार्टर था यानी एन हेक्सेन था, उसमें से एक मिथाइल को तोड़ के आपने इन दोनों कंपाउंड को बना लिया। अब इसमें से ऐसे ज़ूम करना है कि आपको 2 मिथाइल ब्रेक करने हैं। जैसे ही आप 2 मिथाइल ब्रेक करोगे तो पीछे हमारे पास 4 कार्बन की चैन बच जाएगी। अब इन दोनों मिथाइल को क्या करना है, एक साथ और अलग अलग, ठीक है। मैंने क्या कहा कि इन दोनों मिथाइल को अब एक साथ और अलग अलग इस 4 कार्बन वाली चैन पे मूव करना है। अगर मान लो इस 4 कार्बन वाली चैन पे यहाँ अपने दोनों मिथाइल एक साथ लगाते, अगर यहाँ एक साथ लगाते तो इससे वापस ये कंपाउंड बन जाता 2 मिथाइल पेंटेन। अगर मान लो इस पोजीशन पर दोनों मिथाइल ग्रुप एक ऊपर लगा देते एक नीचे लगा देते, अगर ऐसा लगाएं तो हमारे पास जो कंपाउंड होगा वो कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब पोजीशन के बेस पे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 2,2, 2 मिथाइल होने के कारण
डाई मिथाइल, चार कार्बन की चैन है तो ये बन जाएगा टू टू डाई मिथाइल ब्यूटेन। ठीक है, अब इसको कंसिडर कर लेना है, जैसे कोई नया बने उस पर वर्क करना है। अभी नया कंपाउंड बन गया, अब इसमें इन दोनों मिथाइल को एक साथ मैं इस पोजीशन पर ले जाऊं, दोनों को एक साथ इस पोजीशन पर ले जाऊं तो वापस से ये बन जाएगा टू टू डाई मिथाइल ब्यूटेन। अब क्या करना है, इस मिथाइल को एक को होल्ड कर लो, एक को यहीं रहने दो, दूसरे को ब्रेक करके आगे मूव करो। तो अगर आप एक को वहीं होल्ड करोगे तो एक तो यहां होल्ड हो गया, दूसरे को आगे मूव करोगे तो ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अब क्या ये कंपाउंड बाकी सभी कंपाउंड से डिफरेंट है? डेफिनेटली डिफरेंट है, क्योंकि इसमें दो मिथाइल ग्रुप है और दोनों अलग अलग लगे हुए हैं। इसका मतलब इसमें मिथाइल ग्रुप सेकंड और थर्ड नंबर पोजीशन पे होने के कारण ये मेरे पास टू थ्री डाई मिथाइल क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा टू थ्री डाई मिथाइल ब्यूटेन बन जाएगा। इतने स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने के बाद इसके बाद जो भी आप बनाओगे वो किसी ना किसी का रिपीटेशन होगा। जैसे इस कंपाउंड में ये वाला मिथाइल जो है अब यहाँ से ब्रेक करके अपने यहाँ लगा देते, अगर यहाँ लगा दें तो वापस हमारे पास क्या बन जाएगा, टू मिथाइल पेंटेन बन जाएगा। अगर मान लो इस मिथाइल को यहाँ से ब्रेक करके यहाँ लगा दें, ये देखने में आपको हो सकता है नया कंपाउंड लग रहा हो, अपने लगा के देखते हैं। तो अपने ने क्या करा कि यहाँ से इस मिथाइल ग्रुप को पिक करा और इस पोजीशन पर लगा दिया, यानी इस पोजीशन पर अगर लगाऊंगा तो ये मेरे पास कंपाउंड कुछ इस तरह से लगेगा। अब सोचो ये कौन सा कंपाउंड है, एग्जैक्टली ये सेम कंपाउंड ये रहा कि थ्री मिथाइल पेंटेन, ये भी थ्री मिथाइल पेंटेन है, यानी कि इसको अपने को कंसिडर नहीं करना। तो इस बेस पे जो C6H14 है इसके हमारे पास टोटल फाइव स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बने, यानी इससे पांच स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल हैं। बिल्कुल इसी तरह साइक्लिक एसोमर कैसे बनाएंगे, अब इसको हम C5H10 से सीखते हैं। इस एग्जांपल में हमको पहले ही हिंट दे रखी है कि इससे हमको साइक्लिक स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनाने हैं, फिर भी इस कंपाउंड की सबसे पहले हम DU निकालते हैं। अगर इस कंपाउंड की DU निकालेंगे तो इसकी जो DU आएगी वो 1 आएगी। अब हिंट का मतलब क्या है, पहले तो ये सोचो 1 DU से हम क्या क्या बना सकते थे। अगर DU 1 है तो इससे इस कंपाउंड में सिर्फ एक रिंग बना सकते थे, या इस कंपाउंड में सिर्फ एक एल्कीन बनाई जा सकती थी, ठीक है, बट साइक्लो एल्कीन नहीं बनाई जा सकती थी। क्यों, साइक्लो एल्कीन में एक तो रिंग की DU हो गई और एक पाई बॉन्ड की DU होगी, जबकि हमको DU कितनी रखनी है, DU हमको 1 मेंटेन करनी है। अब हमको हिंट क्या दिया जा रहा है कि इसमें आपको सिर्फ साइक्लिक बनाना है, यानी हमको कुछ सोचना ही नहीं है, कोई पाई बॉन्ड नहीं रखना, इस फार्मूले से जितनी भी रिंग पॉसिबल है उतनी बनानी। अब ऐसे केस में जो भी यहाँ पे एन की संख्या हो उतने कार्बन वाली सबसे बड़ी रिंग बना लो। जैसे यहाँ पे अगर सपोज C10 होता तो 10 कार्बन की रिंग बना लेते, क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 5 कार्बन की सबसे बड़ी रिंग बना लेंगे, जो कि मेरे पास बन जाएगी साइक्लोपेंटेन, यानी ये रिंग हो जाएगी अपने पास 5 कार्बन की साइक्लोपेंटेन। अब क्या करना है, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हमने जो ओपन चेन बनाई उसमें से एक मिथाइल को ब्रेक करा, बिल्कुल इसी तरीके से इसमें एक मिथाइल को ब्रेक कर लेना है। वहां ओपन चेन में ब्रेक करते थे तो यू विल गेट ओपन चेन अगेन, अगर साइक्लिक में ब्रेक करेंगे यू विल गेट साइक्लिक एल्केन, यानी इसमें से अगर मैं एक मिथाइल निकाल दूं और वापस रिंग को बना दूं तो ये रिंग मेरे पास कुछ इस तरह से दिखेगी, अब रिंग बन जाएगी 4 मेंबर। अब जो मिथाइल ग्रुप ब्रेक करा है उसको इस कंपाउंड में कहीं भी आप लगाओ, चाहे इस कार्बन पे किसी भी कार्बन पे लगाओ, आपको सिर्फ एक ही कंपाउंड मिलेगा। जैसे मान लो उसको हम यहां लगा लेते हैं तो ये हमारे पास बनेगा मिथाइल साइक्लोब्यूटेन, ठीक है। अब क्या करना है, अगर ये बनाने के बाद इस मिथाइल को हम कहीं भी शिफ्ट करेंगे, सेम कंपाउंड आ रहा है, अब वापस इस कंपाउंड को कंसिडर करेंगे। अभी हमने एक मिथाइल ब्रेक करा, अब इसमें से ऐसा एज्यूम करेंगे कि हमने दो मिथाइल ब्रेक कर लिए। अब दो मिथाइल ब्रेक करेंगे, पीछे रह जाएंगे 3, 3 की हमको रिंग बना लेनी है, यानी 3 जो बच गए वो बन जाएंगे साइक्लोप्रोपेन। अब मेरे हाथ में दो मिथाइल ग्रुप है, अब इन दोनों मिथाइल ग्रुप को पहले आपस में सोचना है कि क्या दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ क्या बना सकते हैं। एग्जैक्टली ये दोनों मिथाइल ग्रुप एक दूसरे के साथ इथाइल ग्रुप की फॉर्म में आ सकते हैं, यानी मैंने यहाँ पे इथाइल ग्रुप लगा दिया और ये मेरे पास बन जाएगा इथाइल साइक्लोप्रोपेन, ठीक है। अब क्या करना है, अब इस कंपाउंड को फोकस करना है, जो भी नया बने उसको आपको फोकस करना है। अब यहाँ पे आपने क्या कर रखा है, इथाइल ग्रुप लगा रखा है, अब इस इथाइल ग्रुप में क्या चेंज करें कि दो कार्बन का नया ग्रुप बन जाए। अब क्या करेंगे, यहां से एक कार्बन ब्रेक करके इस पोजीशन पे लगाना है, ठीक है।
आपको रेंडम नहीं बनाना है, आपको बिल्कुल सिस्टमेटिक जाना है ताकि कोई भी आइसोमर मिस ना हो जाए। तो इस इथाइल ग्रुप का एक कार्बन ब्रेक करना है। अगर एक कार्बन आप ब्रेक कर लेंगे तो आपके पास पीछे बचा हुआ क्या रहेगा, पीछे बचा हुआ रह जाएगा मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब क्या करना है, जो आपने कार्बन को ब्रेक करा है उसको इस कार्बन पर लगाना है। अगर इस कार्बन पर जो मिथाइल बचा हुआ लगा देंगे तो ये मेरे पास कंपाउंड बन जाएगा 1.1, दो मिथाइल एक साथ होने के कारण डाई मिथाइल, और बन गया ये साइक्लोप्रोपेन। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको फोकस करेंगे। अब इसमें से एक मिथाइल ग्रुप को ब्रेक करके उसको आगे चलाएंगे, आगे शिफ्ट करेंगे और देखेंगे क्या नया कंपाउंड बनता है क्या। जैसे मैंने इसमें से वापस एक मिथाइल ग्रुप ब्रेक कर लिया, यहाँ बच गया एक। अब बचे हुए मिथाइल ग्रुप को अगर मैं इस साइड लगाऊं या इस साइड किसी भी कार्बन पर लगाऊं, मेरे पास एक ही कंपाउंड बन के आएगा जो कि कहलाएगा 1.2, दो मिथाइल होने के कारण डाई मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। अब इसके अलावा इसमें और कोई कंपाउंड नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता, अब मान लो इसमें अभी हमने एक मिथाइल तोड़ के ये दोनों बनाए थे, फिर दो मिथाइल तोड़ के ये बनाए हैं। अगर मान लो इसमें तीन ग्रुप तोड़ लेते, तीन कार्बन तोड़ लेते तो पीछे क्या बचते, पीछे बचते दो, बट दो कार्बन की चैन पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमको ज्यादा से ज्यादा एक मिथाइल और सम टाइम दो मिथाइल तोड़कर कंपाउंड बनाने पड़ते हैं। तो अगर C5H10 के हमसे साइक्लिक आइसोमर पूछेगा तो इस कंपाउंड के जो साइक्लिक आइसोमर्स होंगे टोटल 5 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स बनेंगे। तो गाइज, आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने बहुत अच्छे से समझा होगा कि DU यानी डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन क्या होता है, उसका फार्मूला क्या है, डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन से कितने कॉम्बिनेशन बना सकते हैं और आइसोमर्स को बेसिकली किस तरह से ड्रॉ करते हैं। तो वीडियो के रेस्ट पार्ट में आपको दो क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको C7H16 के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स निकालने हैं और क्वेश्चन नंबर सेकंड में C6H12 के आपको ओनली स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करने हैं जो कि साइक्लिक हो। तो वीडियो को पॉज करके या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेके इन दोनों क्वेश्चन को सोल्व करना है और फिर आंसर को मैच करना है। तो गाइज, आई होप आपने दोनों क्वेश्चन को सोल्व करा होगा। दीज आर द आंसर्स। C7H16, इसकी DU 0 है, यानी कि हमको सिर्फ एल्केन ओपन चेन बनानी है तो इससे टोटल 9 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पॉसिबल होंगे। इसी तरह से C6H12 जिसकी DU 1 आएगी, चूंकि हमको हिंट दिया हुआ है कि इससे केवल साइक्लिक आइसोमर बनाने हैं तो इससे टोटल 12 साइक्लिक आइसोमर्स बनेंगे। तो गाइज, आई होप आपके दोनों क्वेश्चन करेक्ट हुए होंगे। इन दोनों क्वेश्चन के रिगार्डिंग या इस वीडियो में किसी भी एग्जाम्पल के रिगार्डिंग आपका कोई भी डाउट है, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइज, अगले वीडियो लेक्चर यानी स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कैसे ड्रॉ करते हैं, इसके पार्ट सेकंड में हम लोग एल्कीन, एल्काइन, साइक्लो एल्कीन, इन सभी में किस तरह से स्ट्रक्चरल आइसोमर ड्रॉ करते हैं ये सीखेंगे।